ज्वेलरी बोलती है सर हमको रिप्लेसमेंट में दे दो, हम आपको ज्यादा पैसा देते। मैंने एक दो बार लाया ना तो मैंने अभी रिप्लेसमेंट नहीं दिया उसको, लेकिन उससे मैंने सब बना लिया घर में, तो वो बहुत बड़ी बात है। दुबई का एक खैसियत है और दुबई में बहुत सारी चीज अच्छी मिलती है, क्योंकि मैं और मात्रे साहब ने मुझे कुछ चीज दिया था उधर। ये लोग साथ में जब जाते हो ना तो किसी को क्या नॉलेज रहता है ना, तो अलग अलग चीज का भी नॉलेज होता है। अभी मेरे साथ तो बहुत खर्चा करने वाले आने वाले कौन है मालूम, मेरे साथ वाटिका भी साथ में खर्चा करवाएगी। पहले घर से बोल दिया कौन आने वाला, बोले वाटिका, फिर कोई टेंशन नहीं, बोले हम लोग को सब चीज आ जाएगी। तो ये एक फॉरेन का भी एक मजा रहता है, थोड़ा लाइफ नसीब में वो ले लो, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं बोल सकता हूं मैं, 5 साल के बाद ये रहेगा कि नहीं ये भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि अभी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा, तो तभी आप बोलेंगे यार उस टाइम मैंने लिया नहीं, ये नसीब में अपना। तो इसलिए फॉरेन टूर जाना है सबको, और नहीं कुछ तो छोटा छोटा टारगेट ले लो लेकिन वो पूरा करो। कल रवि साहब ने आज बोला अपन क्या करते हैं सर हो जाएगा, लेकिन 3 महीना मालूम पड़ा तो कुछ नहीं होता है, ये गलत होता है। खुद को कमिटमेंट नहीं करता, रवि साहब को तो अपन आज कमिटमेंट दे दिया, लेकिन खुद को कमिटमेंट लेना है। जब तक खुद नहीं उतरेंगे, जौहर लिया था पद्मावती ने जौहर, एक एक चीज ऐसी भर जाती है दिमाग में कि उसको क्या जरूरत थी जौहर लेने की, लेकिन एक क्रेज था उसका, नहीं ये मेरी चीज है नहीं जाएगा। तो जौहर जब लिया तो उसके पीछे कितने लेडीज ने जौहर लिया था, कितना लेडीज ने, 10,000 लेडीज ने जौहर लिया था। मीन्स इसलिए वो अपने को अंदर डालने बिना मीन्स सोच डालना है आपको कि मुझे जाना है करना है, तो मैं बोला ऑटोमेटिक हो जाएगा। और मेरा कहना इधर तो फुल टाइम कितने लोग हैं, सब फुल टाइम, सब पार्ट टाइम कितने हैं, सबसे ज्यादा। देखो भाई पार्ट टाइम वाले के तार पे कसरत रहती है,